नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए आज प्रदेश में बिजली कनेक्शन वाले ट्यूबवेल उपभोक्ता किसानों के साथ साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अन्नदाता की चिंता करते हुए उनके ट्यूबवेल के बिजली बिलों की सरचार्ज राशि माफ़ करने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारकों को एनहांसमेंट रिकलेक्शन स्कीम के तहत 9% से लेकर के 45% तक की राहत की घोषणा शहरी लोगों को पूरा ख्याल रखते हुए की है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज टाउन कंट्री प्लानिंग का ये जो नया कार्यालय इस भवन का उद्घाटन किया है, ये कार्यालय अपने आप में तीनों स्टेट्स का कार्यालय का भवन रहेगा, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा का रहेगा और पंजाब का भी टाउन कंट्री प्लानिंग, क्योंकि पहले एक प्रकार से 66 से पहले का ये पुराना भवन, इसमें सभी यानी पंजाब के भी हरियाणा के भी चंडीगढ़ के भी कुछ ऑफिस थे, बाद में इसको ज्वाइंटली बनाया गया है, जिसका 40% हिस्सा हरियाणा के पास रहेगा, 40% पंजाब के पास रहेगा और 20% हिस्सा इसका चंडीगढ़ यूटी को दिया गया है। यूटी ने ज़मीन उपलब्ध कराई है और पूरे का जो बनाने का खर्च है वो 50-50 में पंजाब और हरियाणा ने किया है। कुल 43 करोड़ का टोटल खर्च इस पर हुआ है। तो आज इस अवसर पर एक अच्छी बात यह है कि उद्घाटन के साथ ही पहली मीटिंग भी डिपार्टमेंट की आज हमने यहाँ की है, जिसके अंदर विभिन्न शहरों की जो डेवलपमेंट प्लान थी उसको आज कुछ को फाइनल कर लिया है, कुछ में कुछ सजेशन आए हैं, तो सजेशन के आधार पर नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखी गई है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उनको रेफर किया गया है कि उसको वो कराएं। दो घोषणाएं सेटलमेंट स्कीम की है, एक तो किसानों के लिए एक सेटलमेंट स्कीम हमने बनाई है कि जो बिजली के बिल हैं ट्यूबवेल्स के, उसमें कुल 6 लाख ट्यूबवेल्स में से 2,44,000 कनेक्शन ये बिजली के बिलों के डिफॉल्ट हो गए उनके, हालांकि 2,44,000 6,10,000 में से, हालांकि टैरिफ बहुत कम होता है, मात्र 10 पैसे यूनिट है, एग्रीकल्चर का 10 पैसे यूनिट होता है या फिर उसका हार्स पावर के हिसाब से कुछ कम रेट रखा हुआ, लेकिन उस पर सरचार्ज इस नाते से भी लगाया जाता है जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनका। तो कुल मिलाकर 147 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। अब हमने उनका जो सरचार्ज है वो माफ किया है, लगभग 20-25% सरचार्ज होता है वो माफ़ किया जाता है और बाकी किसानों को ये कहा जाएगा कि वो सब 30 नवंबर तक बाकी पैसे को एक मुश्त जमा करा दें तो सरचार्ज की माफ़ी हो जाएगी।